स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते आत्मनिर्भर कदम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लक्षित आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी पहल को सार्थक बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशों पर सिकल सेल एनीमिया के रोकथाम हेतु विशेष परियोजना आरंभ की है। परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन किया गया है। इस विशेष मिशन के तहत प्रदेश के 27 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक अनुवांशिक रोग है, की रोकथाम एवं उपचार हेतु जागरूकता, स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एवं उपचार की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कारगर रणनीति तैयार की गई है। सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग हेतु प्रचार प्रसार एवं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हेतु मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का सहयोग लिया जा रहा है। स्क्रीनिंग उपरांत प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में पुष्टिकरण हेतु लैब जांचें, रोगियों की प्रबंधन हेतु आवश्यक दवाइयां एवं रक्तदान की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं जन अभियान परिषद द्वारा आगामी पीढ़ियों में हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने हेतु जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण एवं काउंसलिंग की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 2 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों झाबुआ और अलीराजपुर में 8.26 लाख गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों की सिकल सेल स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एवं प्रबंधन किया जाएगा। भारत सरकार की पहल पर सिकल सेल रोकथाम की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की ये परियोजना प्रदेश को स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है।